हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी अपने किचन में स्वागत करती हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया रेसिपी, नया नाश्ता लेकर के आई हूँ नए तरीके से। ये पालक पराठा है हमारा, देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट और अच्छा बना, यम्मी बना है। इस तरह से पालक पराठा बनाइएगा देखिए। और ये सब्जी है साथ में, उसका आलू का भुजिया है, अचार। चलिए हम लोग पराठा, पालक पराठा और आलू की सब्जी बना के तैयार करते हैं। आप भी जो वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिएगा और इसी तरह से देख के बनाइए, खाइए। पालक पराठा के लिए देखिए हमारा पालक साग है, इसको हम लोग कुकर में डाल करके सीटी लगाएंगे। इसको अच्छे से हमने साफ करके धो के रख लिया है। इसको ऐसे भी कच्चा भी अगर आप लोग बनाना चाहें तो इसको मिक्सी में पीस करके बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बॉयल करके बनाती हूँ। इसको कुकर में इस तरह से सारे को डाल देंगे। तो ये देखिए हमने कुकर में सारा पालक साग को डाल दिए हैं, इसमें हल्का सा नमक डालेंगे ताकि पालक जो भी अच्छे से गल जाएगा। एक गिलास पानी, इसको गैस पर रखेंगे सीटी आने के लिए। दो सीटी आने तक इसको सीटी लगाएंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए गैस पे हमने कुकर रख दिया, गैस को फुल फ्लेम पे देके दो सीटी लगाना है। चलिए इसके साथ पराठा के साथ खाने के लिए आलू का बहुत ही अच्छा फ्राई भुजिया टाइप का बनाएंगे, वो भी स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। ये देखिए आलू का भुजिया बनाने के लिए हमने तीन आलू लिए है बड़े साइज का, वजन में लगभग आधा किलो से थोड़ा कम होगा। इसको इस तरह से छील लेंगे अच्छे से, बहुत ही टेस्टी लगेगा पालक पराठा के साथ ये भुजिया खाने में। अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं तो ऐसे भी टोमेटो सॉस के साथ या किसी भी चटनी के साथ खाइएगा पालक पराठा, उसका तो अपना ही स्वाद होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से सारे आलू को हम छील लेते हैं। ये देखिए सारे आलू को हमने इस तरह से छील लिया है, इसको पीस पीस में कट करेंगे, लंबा लंबा कट करेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनता है इसका, इस तरह से सभी को कट कर लेंगे। इस साइज में कट करेंगे, देखिए इस तरह से सभी को कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सारे आलू को कट कर लेना है लंबा लंबा में। ये देखिए ये सब देना है सभी को। चलिए अब हम लोग गैस पे बनाने के लिए चलते हैं। तब तक हमारा उसी भी पालक भी हो गया है, सीटी लग चुका है। ये देखिए इसको भी खोल के ठंडा होने के लिए दे देते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से घुल चुका है, पहले आलू चढ़ा लेते जब तक ये ठंडा होता है। देखिए गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया, सरसों ऑयल डाले हैं। आपको जो भी खाते हैं ऑयल, खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, 1 स्पून सरसों, राई, 1/2 स्पून जीरा, सभी को अच्छी तरह से चटका देते हैं। देखिए सभी अच्छी तरह से चटक चुका है। इसमें सरसों और राई का फोरन डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत ही स्वाद बनता है, स्वादिष्ट और यम्मी बनता है। ये आलू को देखिए हमने 3-4 पानी से वॉश कर लिया था, सारे को इसमें ऐड कर देंगे। इसको कवर नहीं करना है, इस तरह से इसको फ्राई करना है, हल्का कवर बिल्कुल नहीं करना है, इस तरह से खोल के ही फुल गैस पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए आलू को इस तरीके से फ्राई करने के बाद प्याज इसमें डालना है, इस तरह से प्याज लंबे लंबे कट करके डालना है, इससे बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें प्याज डाल देंगे, 2 मीडियम साइज का प्याज हमने डाला है कट करके, 3 से 4 हरी मिर्ची, सभी को अच्छे कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इसको कवर करके आप 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और प्याज भी जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा आलू हल्का पूरा फ्राई हो चुका है अच्छे से, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेप में हम लोग नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम ज़्यादा जितना आप पसंद करते हैं उतना डाल करके बनाइएगा। नमक डाल दिया है हमने, हल्दी डाल रहे हैं, ये देखिए हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालिएगा। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर जिससे कि कलर अच्छा आएगा, और बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं पसंद करते तो नहीं डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ ये आलू का भुजिया। आलू फ्राई, आलू भुजिया कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। देखिए कलर भी कितना निखर के आया है। 2 मिनट तक कम फ्लेम पे इसको इसी तरह से कवर करके पकने के लिए दे देंगे। चलिए तब तक हम लोग आटा गूंथ लेते हैं पालक पराठा के लिए। ये देखिए हमने 1/2 kg के लगभग आटा लिया है। ये आटा हमारा 4 से 5 आदमी के लिए है। ये कलौंजी 1/2 स्पून, 1/2 स्पून कलौंजी डाले हैं। इसको काला जीरा भी बोलते हैं, मंगरेला भी बोलते हैं, हम लोगों के भाषा में मंगरेला बोलते हैं। 1 स्पून अजवाइन, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन नमक बिल्कुल कम डालिएगा क्योंकि हम लोगों ने पालक में भी नमक डाला था, उस हिसाब से नमक डालिएगा। 2 स्पून के लगभग रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं 2 स्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं। सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए सभी को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये हमारा पालक साग है जिसको हमने सीटी लगाया था, इसको इसमें इस तरह से डाल देंगे। इसके पानी को फेंकेंगे नहीं, पहले इस तरह से भूत लेते हैं, फिर पानी जो भी यूज होगा वो पानी का यूज़ कर लेंगे। सभी को अच्छे तरह से इस तरह से मसलना है पालक को सारा को। देखिए पालक साग को हमने पूरे अच्छे तरीके से मसल दिया है। अब इसको आटे में भूत लेंगे और जो पालक का पानी बचा हुआ है, जो भी पानी लगेगा एक्स्ट्रा, उसी को पानी को डालेंगे, उसी से हमारा गुथा जाएगा। इस तरह से पूरा आटा को अच्छे तरह से गूंथ के आटा की तरह तैयार कर लेना है, जिसे चपाती बनाते हैं उस टाइप का, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट करना है, उसी तरह से सारे आटे को गूंथ लेते हैं। ये देखिए हमने आटा को गूंथ के तैयार कर लिया। आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मेरा जो पालक का पानी था उसी से पूरा गुथा चुका है। अगर एक्स्ट्रा पानी लगता है तो आप लोग थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। आटा बिल्कुल हमारा सॉफ्ट देखिए गूंथ के तैयार हो चुका है। चलिए अब हम लोग पराठा बनाते हैं, एक बार भुजिया को चेक कर लेते हैं। देखिए भुजिया भी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए पूरा बिल्कुल अच्छे से बन चुका है हमारा सब्जी पालक पराठा, देखा बहुत ही यम्मी लगेगा खाने में। बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसको उतार लेते हैं और पालक पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से आटा लेंगे, थोड़ा सा जितना साइज का बनाना चाहते हैं, मोटा पतला जो भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आटा ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से पेड़ा के जैसा बना लेंगे। हल्का आटा लगाएंगे, इस तरह से रख करके उसको बेलेंगे। अगर आप चाहे तो इस तरह से राउंड भी गोल में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा शेप देने से अच्छा ज़्यादा लगेगा। इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे ऑयल, इससे है जो परतदार बनेगा पराठा जो है, ऊपर से भी हल्का लगा देंगे। इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा आटा लेते हैं, इसको बेल लेंगे। त्रिकोण शेप में बहुत सुंदर लगता है देखने में भी, बच्चे लोग भी बहुत पसंद से खाते हैं। इस तरीके से बेल लेंगे हर साइड से। ये देखिए बिल्कुल बेल के तैयार हो चुका है। चलिए हम लोग तावा पे डालते हैं इसको। ये देखिए गैस पे हमने तावा रख दिया था, तावा हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से चेक कर लीजिए, पराठा जो हमने बेल के रखा था उसको इस पर डाल देते हैं। गैस को फुल पे फ्लेम पे देकर के इसको अच्छे से सेकेंगे दोनों साइड से। ये देखिए एक साइड से पक चुका है, दूसरे साइड से भी पकाएंगे। देखिए दोनों साइड से पक चुका है पराठा से भी। अब इसमें हम लोग ऑयल लगाएंगे। आप घी लगाना चाहते हैं, अगर घी पसंद करते तो घी भी लगा सकते हैं, चाहे ऑयल लगा सकते हैं। इस तरह से ऑयल लगा देंगे, दूसरे साइड भी पलटी करके इसी तरह से लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा से पराठा फूल के तैयार हुआ है। ज़्यादा ऑयल का काम नहीं पड़ता है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए जो हमने तेल लगा करके बीच में बेला था, इसे हमारा 2-3 भाग में निकल जाता है आराम से। ये देखिए बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोनों साइड से। इसी तरह से सेक लेना है। एक और बना करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से सभी पराठे को बना करके तैयार कर लीजिएगा। देखिए पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है बनके। चलिए सर्विंग करते हैं। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल तैयार है पालक पराठा और आलू की सब्जी। इस तरह से आलू का भुजिया बनाइएगा, बहुत ही यम्मी लगता है, और अचार के साथ खाइएगा। दोनों चीज़ के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। टमाटो सॉस के साथ भी पराठा खा सकते हैं। ऐसे खाली पराठा भी खाने में टेस्टी लगता है। इसी तरह से देखिए, वीडियो को पसंद करिए और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि न्यू वीडियो का रेसिपी आप लोगों को मिलते रहे। देखिए इस तरह से बनाइए पालक पराठा और आलू की भुजिया। आलू की भुजिया चाहे सब्जी कुछ भी बोल सकते हैं इसको, बहुत ही यम्मी और स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह से बनाइए, खाइए, घर में एंजॉय कीजिए। सेफ रहिए, अच्छे से घर में रहिए। इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।